में भी मध्य प्रदेश नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। अब हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। मध्य प्रदेश में 28.9% सकल नामांकन अनुपात दर्ज हुआ है। वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात 24.2% था। मध्य प्रदेश सरकार ने जब से नई शिक्षा नीति लागू की है तब से हमारी सकल पंजीयक दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नई शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी है। अब राज्य ने नामांकन स्तर पर भी सफलता हासिल की है। मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं। 3 साल से भी कम समय में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। फार्मा सेक्टर में मध्य प्रदेश में 275 से ज्यादा इकाई है। 160 से अधिक देशों को फार्मा प्रोडक्ट मध्य प्रदेश से निर्यात होता है। ये गौरव की बात है। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने 3 साल से भी कम समय में 12 यूनिवर्सिटी से छलांग लगाते हुए 52 विश्वविद्यालयों के माध्यम से हमारे अपने शिक्षा के मामले में भी रोजगार की संभावना है और शिक्षा के मामले में बड़ी संभावना मध्य प्रदेश से है, जिसके आधार पर हमारे मेडिकल कॉलेजों की संख्या 5 से खसक के 25 की तरफ जा रही है। ये मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और बड़े पैमाने पर इसकी संभावना भी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नामांकन स्नातक स्तर पर हुए हैं। मध्य प्रदेश ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर बनाए रखा है। राज्य ने इस दिशा में निरंतर प्रगति की है।